आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे यंग बाइट्स के प्रोग्राम में आपको मैं ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूं जो कि प्रोफेशन से डॉक्टर है, लेकिन वॉइस ऑफ डॉक्टर का किताब जो है इन्होंने हासिल किया। आपको बता दें कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ये कॉम्पिटिशन हुआ, और आपको बता दें कि ऑल ओवर वर्ल्ड से डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया अंडर 40 कैटेगरी में। और हमारे साथ इस समय मौजूद है डॉक्टर ऋषभ राज शर्मा जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और इनसे सीधा आपको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने पहला प्राइज जो है वो हासिल किया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच पूजा जी। डॉक्टर ऋषभ, मुझे बताओ कि ये कॉम्पिटिशन जो है ये पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि आज तक सुनने को नहीं मिला था कि वॉइस ऑफ डॉक्टर्स, एक सुनने में ही कुछ अलग लगता है, और एक डॉक्टर के लिए जब ऐसी उनमें जो टैलेंट रहता है जब उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म मिले तो किस तरह की खुशी रहती है। देखिए, ये वॉइस ऑफ डॉक्टर्स जो है ये डॉक्टर सौरभ जैन और डॉक्टर जितेंद्र एस मकर, ये दो डॉक्टर्स हैं जयपुर में, उन्होंने ये स्टार्ट किया। बेसिकली उन्होंने ये नोटिस किया कि डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक के साथ कनेक्टेड रहते हैं, काफ़ी रुचि रखते हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक स्टार्टअप ही स्टार्ट किया जाए। और ये पहला सीज़न था वॉइस ऑफ डॉक्टर्स का। अभी वॉइस ऑफ मेडिकोज भी ये स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स जितने भी हैं या डेंटल स्टूडेंट्स हैं उनको भी मौका मिलेगा टैलेंट को एक्सप्लोर करने। बिल्कुल बिल्कुल, तो इन्होंने ये सोचा कि ये नेशनल लेवल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हम स्टार्ट कर सकते। तो अराउंड 7000 डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, और ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्होंने तीन कैटेगरीज रखी थी, लेस देन 40 इयर्स, 40 to 55 इयर्स और 55 इयर्स से ज़्यादा वाले। और इन्होंने ऑडिशंस लिए, ऑनलाइन ऑडिशंस लिए, फिर स्टेट ऑडिशंस हुए, हमारे स्टेट राउंड्स थे, और नेशनल्स में इन्होंने हर कैटेगरी में अराउंड 125 कैंडिडेट चुने। नेशनल राउंड्स के बाद टॉप 10 इन्होंने प्री फिनाले के लिए चुने, और प्री फिनाले और फिनाले जो था वो जयपुर में हुआ, और जो ग्रैंड फिनाले था वो जज किया था अलका याग्निक मैम ने, कुमार शानू सर ने, उस्ताद हुसैन ब्रदर्स और साजिद खान, जो साजिद वाजिद। कैसा लगा जिनको आप घर बैठे सुनते थे उनके सामने परफॉर्म करने का मौका आपको मिला? बिल्कुल, नर्वसनेस तो नहीं हुई? नहीं नहीं, मैं तो काफ़ी नर्वस था, और मतलब इतने धुरंधर थे वहाँ पे गाने गाने वाले, और बेसिकली साउंड सिस्टम में भी मेरे को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था जज करना, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट शो, क्योंकि इतने बड़े मंच पे मैंने कभी गाया नहीं था और इतने बड़ी हस्तियों के सामने गाना। तो पहली बार आप गाने लगी, और मतलब कि पहला प्लेटफॉर्म जो आपको मिला वो इतना बड़ा मिला? बिल्कुल बिल्कुल, और प्रेशर काफ़ी था। तो फिर मैंने इट अकर्ड टू मी कि मतलब ये 3 मिनट जो हैं ये मेरी ज़िंदगी के 3 मिनट कोई छीन नहीं सकता, तो इट इज़ जस्ट माइन। और मैं ऊपर गया, आंखें बंद किया, और जो मेरे को गा पाया मैं गा लिया, और द रेस्पॉन्स ऑफ द जजेस वो काफ़ी काफ़ी। तो फर्स्ट प्राइज आपको जिस सॉन्ग को गुनगुनाने का मिला है वो ज़रूर हमारे व्यूअर जितने भी जुड़े हमारे साथ वो ज़रूर सुनना चाहिए। ज़रूर, मैंने वहाँ पर लाल इश्क गाना गाया था रामलीला मूवी में, जो था सॉन्ग अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में। तुझ संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा। थैंक यू। कोई डॉक्टर इतना अच्छा गा सकता है? गा सकता है, बिल्कुल गा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ऋषभ ने ये बताया है कि किस तरह से अपने प्रोफेशन को और अपने पैशन को साथ लेके जाना चाहिए। मुझे बताइए आपको इसकी जानकारी कैसे मिली कि वॉइस ऑफ डॉक्टर का जो ये प्रोग्राम आ रहा है? देखिए, ये डॉक्टर्स के लिए ही था, तो मेरा जो MBBS का कॉलेज था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायचूर कर्नाटका में, तो वहाँ पर एक मेरी कुलीग ने वो सेंड किया था ग्रुप पे, तो मैंने कैजुअली लिया, मैंने सोचा अच्छा ठीक है हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आई जस्ट एनरोल्ड, रेस्ट इज हिस्ट्री। हाँ, मैंने कहा ऑनलाइन ही? बिल्कुल ऑनलाइन ही था, ऑनलाइन हमें अपने वीडियोस भेजने थे, ऑडिशंस थे, फिर लाइव ऑडिशंस थे, स्टेट राउंड था, नेशनल राउंड था, वो सारा लाइव गया। प्री फिनाले और ग्रैंड फिनाले जैसे मैंने कहा वो जयपुर में हुआ था। तो इससे पहले कॉलेज में अपने स्कूल में आप सिंगिंग करते थे? बिल्कुल, बचपन से ही गाना गाने का शौक था, कभी सीख नहीं पाया, वो एक दिल में वो इच्छा है कि सीख पाता, बट यही जैसे असेंबलीज होती हैं, प्रेयर्स होती हैं, उनमें मैं गाता था, और पोइम रिसाइट करने होते थे, कॉम्पिटिशन सिंगिंग का था, लेकिन प्रोफेशन आपने मेडिकल चूज़ किया, तो ये कैसे कॉम्बिनेशन बना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पैशन मेरा डर्मेटोलॉजी ही था और डर्मेटोलॉजी ही रहेगा। म्यूज़िक मैं एज अ हॉबी लेता हूँ और अपने लिए लेता हूँ, लाइक अपने इट्स अ फूड फॉर माई सोल,
सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा, बट ये है कि कभी भी स्ट्रेस हो जाता है काम से, ज़्यादा काम वर्कलोड होता है, तो फिर जाकर कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा या डॉक्टर्स के लिए भी इस तरह का प्रोग्राम जो है लाया जाएगा। नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो सर ने लिया हुआ है, और कभी सोचा नहीं था। मतलब मैं तो यही सोचता था कि इंडियन आइडल कौन जाएगा, फिर वहाँ फिर ऑडिशंस देने, एक लंबी लाइन में। तो कितना लेंथी प्रोसेस था आपका ये? 6 मंथ्स लॉन्ग था और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था इसमें। बहुत अच्छा अच्छे सिंगर्स भी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो जिन्होंने आपको बताया, ये रास्ता दिखाया कि इस तरह का प्रोग्राम आया, जो आपने प्राइज जीता, क्या उसमें भी आप उनको कंट्रीब्यूट करेंगे? ज़रूर, अगर मौका मिला तो ज़रूर। तो मुझे बताइए कि आपकी सिंगिंग सुन के आपको बॉलीवुड से भी ऑफर जो है, कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन हुआ, क्या मतलब कि क्या सोचा था ऐसा कि मेरा जो प्रोफेशन है इससे हटकर जो है मैं वहाँ पर जा पाऊँगा, कभी इमेजिन? बिल्कुल भी नहीं, नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोच पाया। अभी तब से मैं अभी आई एम स्टिल स्टक इन दैट मोमेंट कि जब जजेस जो थे उन्होंने जिस तरह से मुझे अप्रिशिएट किया, साजिद सर स्टेज पर आए और मेरे को गले लगाया और वंस मोर कहा, फिर बाद में अलका जी ने मेरे लिए गाना गाया, कुमार सानू सर ने मेरे लिए गाना गाया, उस्ताद हुसैन जी, बिल्कुल उस्ताद हुसैन साहब ने मेरे को अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, मतलब सोच भी नहीं सकता। और बाकी इट वॉज़ अ चेरी ऑन द केक, यू नो, जो बॉलीवुड से मुझे विवान फिल्म्स प्रोडक्शन है, विवेक शर्मा जी वहाँ मूवी डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया नेक्स्ट मूवी के लिए, जो बॉलीवुड मूवी उनकी आ रही है उसमें मैं प्लेबैक सिंगिंग के लिए उन्होंने मुझे चूज़ किया। ओके, तो मुझे बताइए आगे क्या क्या सोचा आपने कि आगे भी आपने इस मतलब कि सिंगिंग को लेकर आगे बढ़ेंगे? अब जिस तरह से बॉलीवुड में आपको मौका मिला जाने का, तो क्या लगता है इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके प्रोफेशन पर और इस तरह ये जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोफेशनली मैं सोच नहीं रहा हूँ अभी इतना, अभी देखते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। बाकी सोच तो मैं ये भी रहा हूँ कि क्यों ना मुंबई में ही क्लिनिक खोला जाए और उधर ही सेटल हो जाया जाए, एक साथ दो काम आपके हो जाएंगे। मुझे बताइए जितने व्यूअर्स हमारे मीडियम से आपको देख रहे हैं, आपके सॉन्ग जो है उन्होंने ज़रूर सुना, और जाते जाते आप एक बार उनको डेडिकेट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उसके अलावा जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, अगर वो आपको सुनना चाहें तो वो कहाँ पर सुन सकते हैं, कहाँ पर आपको आपसे बात कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस देखनी है, जजेस के रिएक्शंस देखने हैं, और मेरे बाकी कवर्स, मैं यूजुअली इंस्टाग्राम पे अपने कवर्स पोस्ट करता रहता हूँ, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है डॉक ऋषि वोकल्स, DocRishiVocals, तो वहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरे सारे गाने सुन सकते हैं। तो अपने व्यूअर्स के लिए सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिए। ज़रूर ज़रूर। मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से, सुकून मिला, सुकून मिला। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, काफ़ी खूबसूरत इनकी आवाज़ है और इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी व्यूअर्स का प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो ये और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको इनको सुनना है, इन्होंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दिया है कि आप वहाँ पर जा सकते हैं, इनसे बात भी कर सकते हैं, इनको सुन भी सकते हैं, तो हमारी बेस्ट विशेस जो है इनके साथ है। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।